अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है अभय जी। मेरे सामने से हट जाओ मेघा, हट जाओ। तुम नहीं, हम नहीं हटेंगे। हट जाओ मेघा। मैं सब समझता हूँ तुम क्या करना चाह रही हो, तुम क्या सोचती हो। तुमने बिंदिया का चेहरा ले लिया है तो उसकी जगह भी पालोगी। लेकिन तुम मुझे फंसा नहीं पाओगी। मेरे लिए तुम मेघा हो, सिर्फ मेघा, सिर्फ मेघा, सिर्फ मेघा, सिर्फ मेघा। वो मेघा जिसने मेरी बिंदिया को मुझसे छीना है। अब हट जाओ सामने से। अभय जी, हम ये नहीं साबित करना चाह रहे कि हम बिंदिया हैं। हम बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि घर में क्या गलत हो रहा है। मेरे परिवार को इस्तेमाल करके ही तुमने बिंदिया की जगह ली थी ना। अब वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं तो मुझे उनके खिलाफ भड़का रही हो तुम। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। ठीक है भाई जी, अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है तो मत कीजिए। बस एक काम कर लीजिए, बाबूजी वहाँ से एक कागज पर अंगूठा लगवाने वाले हैं, बस वो कागज चेक कर लीजिए। मुझे कुछ भी चेक नहीं करना है। तुम्हारी किसी भी बात को मानना मतलब तुम्हारी जाल में फंसना होगा। हे भोलेनाथ, ये तो नहीं रुके। अब हम क्या करेंगे? बाबूजी तो माँ से अंगूठा लगवा लेंगे उन कागज पर। वो पुराने कागजात पर पानी गिर गया था, नए बनाए। हाँ, हाँ लाइए, हम अभी अंगूठा लगा देते। ये लो, इन पे अंगूठा लगा दो। ये लो। अभय जी तो आए नहीं वापस, कैसे रोकूं इन्हें? We'll be right back.
ये क्या कर रहा है ये? ओ एक्सरसाइज पाजी, एक्सरसाइज और जितनी भी करो सेहत के लिए अच्छी होती है। क्या चल रहा है? हाँ? देखो हर चीज की एक जगह होती है, वक्त होता है। तुम कर का रहे हो नाचना गाना हमारे हॉल में? हाँ सुनो अंदर जाओ, जाओ जाओ। अंदर जाओ। अब क्या करें, हमारी ये तरकीब तो काम नहीं की। अगर माँ ने अंगूठा लगा दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जी, लगाओ अंगूठा। जी। क्या हुआ पापा? क्या सही वक्त पे एंट्री मारी है अभय जी ने? उन्होंने हमारी बात मान ली। कुछ नहीं बेटा, वो बस दफ्तर का काम। ओ पाजी, ओ यारा, तुसी जानते मैं आज कित्थे गया सी? किधर? ओ नौकरी ढूंढने। ओ मैंने नौकरी मिलने ही वाली थी पर क्या? और मैंने उनका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया और फंसते फंसते रह गया यार। वो तो मैंने कह रही थी कि दस्तखत कर दो कॉन्ट्रैक्ट, कह रही थी कि ऐं ही है, सभी करते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नज़र चली गई और मैंने पढ़ लिया। वो कॉन्ट्रैक्ट पे कितनी गलत सलत चीज़ें लिखी थी हैं जी। तो मेरी आदत अच्छी है कि बिना पढ़े मैं कोई भी कागज़ पर दस्तखत नहीं करता हैं जी। ओ यारा, तुसी जानते हो वो कंपनी मेनू दो नंबर का काम करवाना चाहती थी। मैंने पढ़ लिया तो अगल बगल आके झांकने लगी और सोचने लगी अब बोला वाला मुंडा है, एक इतने पढ़ेगा कौन सा है? और साढ़े पास भी अकल है रे अकल है। और जो अंगूठा लगाने वाला थोड़े ना हूं मैं कि बिना पढ़े कोई भी कागज पे दस्तखत कर दू। रुकिए माँ, रुकिए माँ, रुकिए माँ। इन पेपर्स में क्या लिखा है पढ़ा आपने? लल्ला, हम कैसे पढ़ेंगे? हाँ माँ, अरे लेकिन इन पेपर्स में क्या लिखा है किसी ने तो पढ़ के बताया होगा ना आपको। नहीं है, है? ओ की कह रहे हो, किसी ने नहीं बताया? ओ लो जी लो, अरे आप तो सीएम हो, अरे आपको तो सब कोई सब कुछ बताना चाहिए हैं?
कल को कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में कुछ ऊंच नीच हो गई तो सब कुछ घूम फिर के आपके ऊपर आ जाना है। अरे ओ भाई तो चुप कर, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है। साले साहब, ये पेपर्स ऑफिस से आए हैं तो स्टाफ ने चेक कर कर ही भेजे होंगे ना। लाइए, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। ये तो वही कॉन्ट्रैक्टर है जिस पर ऑलरेडी 3 केसेस चल रहे हैं। वो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर? पवन चौरसिया। ओए, इसके बारे में तो मैंने भी सुना है। ओ जी, बड़ा बदनाम है ये, बड़ा बदनाम। ओ कमल, तेरे को कैसे पता? तू तो शहर में नया आया है ना। ओ जी, शहर में नया आया हूँ तो क्या हो गया? और नौकरी के लिए 1000 जगह जा चुका और जिन लोगों को बातें करते सुना था उसी के बनाए 3 पुल गिर चुके हैं जी। अब नौकरी तो मिली नहीं पर क्या जरूर मिल गया। कमल, तुझे नौकरी चाहिए थी ना? हाँ जी यारा। ये नौकरी करेगा माँ के पास उनका असिस्टेंट बनके। लल्ला, ये कहाँ कह रहा है तू? माँ, हर पेपर साइन करने से पहले उसे चेक करना होगा। पापा, जीजा जी, भैया, ये सब तो बहुत बिजी लोग हैं। हाँ, सही कह रहे हैं साले साहब। अब देखो, स्टाफ से टेंडर बनकर आया है लेकिन किसी गलत कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट हो गया। कमल आपको पढ़ के बताएगा माँ कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, किसका नाम लिखा है, वो आदमी कैसा है, सही है या गलत है। ये सब काम तू कर पाएगा ना? अरे तुसी हुकुम करो पाजी। ध्यान से काम करना कमल, मैं नहीं चाहता कि माँ पर किसी भी गलत बात का इल्जाम लगे। साड़ी ड्यूटी समझ के करूंगा जी। और तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया यार नौकरी देने के लिए। हम ना स्टाफ को बोल करके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का नाम का टेंडर बनवा देते। ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते पता चल गया, वरना तो परिवार पर ही बात आ जाती। ओ मम्मी जी, वो की कर रहे हो? अब तुहाडा सारा काम मैं तो ही संभालना।
इतना बड़ा कमीशन हाथ से निकल गया, पता नहीं क्या हो गया अभय को, वो कागजात चेक करने लग गया। हम सब बात कर रहे थे इसी कमरे में उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, हम सभी थे ना, और कोई जानता भी नहीं था, तो फिर साले साहब को अचानक शक कैसे हो गया? अरे कहा जीजा जी, अभय को थोड़ी ना शक हुआ, अरे वो तो पगलेट, वो कमल, वो अपनी बातें बताने लगा, उसकी वजह से अभय ने अम्मा को अंगूठा लगाने से रोक दिया। अरे ये सब इस कमल की वजह से हुआ है। अरे 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 हम सच कहें, हमको ना वो कमल सिंह बिल्कुल पसंद नहीं है, अरे एक नंबर का गड़बड़ इंसान है। और एक झटके में सासू माँ का असिस्टेंट भी बन गया ससुरा। घर में एक नई मुसीबत घुस आई है जिसका नाम है कमल सिंह। दामाद बाबू इसकी कुंडली पता लगाओ, कौन है, कहां से आए, इससे पहले किधर था वो। आप फिक्र मत कीजिए ससुर जी, एक दिन के अंदर पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के लाता हूं उस कमल सिंह का। तेरे हाथों में तो जादू है रे। ओ जी आपके पैर में मालिश नियम से होगी ना, तो तुसी बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाओ, है मम्मी जी? आज इतनी याद आ रही है बिंदिया की, वो भी हमारा बेटी की तरह ख्याल रखती थी। और की हो गया मम्मी जी? बिंदिया ने सब कुछ संभाल लिया था और वो ऐसी सेवा करती थी जैसे तू कर रहा है। उसके जाने के बाद सब कुछ सुना हो गया, पर सबसे ज्यादा फिक्र तो हमें हमरे भल्ला की। वो चुप हो गया, चुप रहता है, पर हमें पता है कि उसके अंदर कितना दर्द छुपा है। और किस्मत का खेल देखो, जिसने हमारी बिंदिया बिटिया की जान ली, वो बिंदिया का चेहरा लगा करके जमानत ले करके सरेआम घूम रही है। हमरा लल्ला अपने आप को मजबूत दिखा रहा है। और तुझसे फिक्र ना करो मम्मी जी, वो जी वक्त हर घाव भर देते हैं जी। वैसे मैंने एक गल दसो, मैं आपको मम्मी जी बोलता हूँ, और तेनु बुरा तो नहीं लगता? बुरा क्यों लगेगा, तूने हमरे लल्ला की जान बचाई, तू भी तो हमरे बेटे जैसा ही है। ओ सच्ची? ओ चलो फिर इसी बात पे आशीर्वाद दे दो मेनू। खुश रहे। अब जा, कल के लिए फाइल वाइल चेक नहीं करना है। ओ हाँ जी हाँ जा रहा हूँ, और तेनू कुछ चाहिए हो तो मैनू बुला लेना, आ जाऊंगा मैं। और वैसे भी आपकी सेवा करता रहूंगा तो आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद मिलेगा तो ताकत आएगी लड़ने की, है जी? बातें करवा ले कोई तुझसे, जा दिया आशीर्वाद। ओ ये लो जी। गुड नाइट मम्मी जी, गुड नाइट। गुड नाइट, अब तू जा। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। त
तेरा नाम ना कमल नहीं कमाल होना चाहिए। एक ही दिन में माँ का बेटा भी बन गया तू। और जी माँ का बेटा बनने में वक्त थोड़े ना लगता है जी, माँ का तो थोड़ा सा ख्याल रख लो, उसके अंदर इतनी ममता होती है कि तुरंत बेटा बना ले। हैं जी? थोड़ा सा नहीं, बहुत ख्याल रखना है तुझे माँ का। और तुसी फिक्र ना करो यारा, और साड़े रहते मम्मी जी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। हैं जी? अच्छा है, चल अभी जाके सो जा, कल सुबह बहुत काम होंगे तुझे। जरा सी भी आवाज की तो गोली चल जाएगी।